और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो बना रही हूँ, जो आप लोग ध्यान से सुने। ये ऐतिहासिक क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इनको याद कर लें, देख लें। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत में लाइक बटन का बटन होगा क्लिक कर लें और शेयर करें अपने दोस्तों को। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो इसी तरह की मैं वीडियो और अपलोड करूंगी। उपनिषदों की कुल संख्या 108। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। वेदों को भली बात समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की है। शिक्षा, ज्योतिष, काव्य, व्याकरण, निरुक्त, छंद। शिक्षा, ज्योतिष, काव्य, व्याकरण, निरुक्त, छंद, वो कौन कौन से हैं? 6 वेदांगों की रचना की गई है, वो कौन कौन से हैं? शिक्षा, ज्योतिष, काव्य, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ध्यान से सुने दोस्तों, शिक्षा, ज्योतिष, काव्य, व्याकरण, निरुक्त, छंद। ये अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक का बटन है लाइक कर लें और इसको शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को एक बार क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल, जो मैं वीडियो डालूँगी, उसको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू, बाय बाय।